हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल वी। जो आज की अपनी वीडियो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है कि जिसमें हम एच पी ओमन जो नए वेरिएंट लॉन्च हुए हैं अमेजोन के ऊपर उनके बारे में बात करेंगे। कि जैसे कि आपको पता ही है कि जो एच पी ओमन है उसका एक फ़ैन बेस बहुत ही अच्छा अलग ही फ़ैन बेस है एंड जो क्वालिटी होती है। तो फिर अगर यार आप न्यू हो मेरे चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड ट्विटर इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लो जाके। एंड जैसे कि आप देख ही पा रहे हो कि हम अपने अमेजोन की डिस्प्ले के ऊपर आ चुके हैं। जो अपना फर्स्ट वेरिएंट है ओमन का वो है राइजन 750 800H के साथ, जो कि 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। जैसे कि आपको पता है कि 5000 सीरीज का ये प्रोसेसर है एंड काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। एंड जो इसमें रैम है ये वाले लैपटॉप में वो 16GB 3200 MHz की उसकी क्लॉक स्पीड एंड 2 स्लॉट्स में मतलब लगी है डुअल जनरल 8+8 की। एंड जिसमें स्टोरेज है वो 1TB की SSD है। जो रिफ्रेश रेट है डिस्प्ले का वो 144Hz का होने वाला है। एंड जो इसमें ग्राफिक्स कार्ड है वो RTX 3060 है 6GB वाला वेरिएंट। एंड अगर जो इसकी TGP है गाइस इन्होंने ये कंफर्म नहीं की है डिस्प्ले के ऊपर, मतलब जो इन्होंने लिस्ट किए हैं उसके ऊपर। एंड अब तक हम इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, जो कि फुल HD डिस्प्ले एंटी ग्लेयर। एंड जो इसका कलर एक्यूरेसी है वो 72% NTSC एंड 144Hz का रिफ्रेश रेट है एंड 300 nits की ब्राइटनेस है इसकी। जो प्रोसेसर है उसकी 4.4 GHz की बूस्ट क्लॉक है जैसे कि आप देख ही पा रहे हो यहाँ पे। एंड जो ग्राफिक्स कार्ड है वो 6GB उसकी VRAM होने वाली है। एंड अगर इसमें हम बात करें कि जो वीर इनकी TGP होगी ग्राफिक्स कार्ड की वो अराउंड 90 से लेके 110 वॉट तक होने वाली है। जो एक मतलब फ्रेंड है जेट स्ट्राइक, उन्होंने कन्फर्म किया डिस्कॉर्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके या मतलब कहीं से उन्होंने चेक करके, जो कि वो कह रहे हैं कि ये 100 वॉट की भी हो सकती है। एंड जैसे कि अपने टेस्टिंग RTX वाले विजय भैया उन्होंने भी वही चीज़ बताई है। एंड इस ऐसे आपको पता है कि जो थर्मल्स हैं इसके काफ़ी अच्छे होने वाले हैं क्योंकि इसमें IR थर्मोपाइल सेंसर लगा होता है। एंड ये इसका मॉडल नंबर है। जो इसका प्राइस होगा वो अराउंड 120,000 से लेके 140,000 के बीच में हो सकता है। एंड जो इसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। एंड जो इसका सेकेंड वेरियंट है वो उसके अंदर प्रोसेसर एंड रैम ऑल दैट सेम है सभी कुछ, लेकिन जो इसकी डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है कि वो QHD है, मतलब 2K वाली डिस्प्ले है। एंड जो इसका रिफ्रेश रेट है वो 165Hz होने वाला है। एंड इसमें ग्राफिक्स कार्ड भी इन्होंने पिछले वाले से अच्छा इंप्रूव किया हुआ है। मीन जैसे पिछले वाले वेरिएंट में था 3060 था एंड इसमें 3070 8GB वाला वेरियंट है। एंड जो इसकी भी TGP है वो भी अपने को कन्फर्म नहीं है इसमें, एंड वो भी अराउंड 100W ही होने वाली है। एंड जो इसका आपको पता ही होगा कि जो कीबोर्ड आता है वो 4-Zone वाला आता है, सभी कुछ वो सेम ही है पहले जैसे कि आप देख ही सकते हो। कि इसका जो रैम है आप उसको 32GB तक एक्सपेंड कर सकते हो एंड ऑल दैट। एंड जो प्रोसेसर है वो ही है सेम 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला। एंड जो रैम है वो 1TB की लगी हुई है। एंड जो इसमें डिस्प्ले है उसका 3 ms रिस्पॉन्स टाइम एंड 300 nits की ब्राइटनेस है। एंड जो कलर एक्यूरेसी वही 72% NTSC एंड 165Hz का रिफ्रेश रेट। एंड जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया वो सब कुछ, तो फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। तो फिर अभी हम जो अपना थर्ड वेरिएंट है HP ओमन का उसकी तरफ आ चुके हैं, जो कि इंटेल वाला है जिसके अंदर i7 10th generation का 10870H लगा हुआ है, जो कि 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है जिसकी बेस क्लॉक 2.2 GHz की एंड जो बूस्ट है वो 5.0 GHz की है। जैसे कि आपको पता है कि जितना भी आप इसको फोर्स करोगे या जितना भी काम दोगे उससे आपको अच्छी परफॉर्मेंस ही देगा, ये कभी भी मतलब रुकने वाला नहीं है, इतना अच्छा प्रोसेसर है। जैसे आपको पता होगा कि MSI के GL सीरीज का जो लैपटॉप वाले आते हैं उनमें भी प्रेजेंट है ये। एंड जो रैम है इसमें वो 16GB की लगी हुई है एंड जैसे कि आपको पता है 3200 MHz की है वो भी। एंड जो इसमें SSD होने वाली है वो 1TB की है। एंड जो रिफ्रेश रेट है डिस्प्ले का वो 300 Hz का है, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा ओवरकिल लगा लो कि आपको जितने भी FPS मिलेंगे वो काफ़ी अच्छी तरीके से देखने को मिलेंगे, स्मूथनेस होगी डिस्प्ले की। एंड जो ग्राफिक्स कार्ड है इसमें 3070 8GB वाला वेरियंट है। एंड जो ब्राइटनेस है डिस्प्ले की वो 300 nits की है। जो कलर एक्यूरेसी है वो इन्होंने यहाँ पे 45% NTSC मतलब लिखी हुई है, वैसे वो 45% NTSC होगी नहीं क्योंकि ये शायद इनसे मिसप्रिंट हुआ है या कोई प्रॉब्लम हुई है। जैसे कि अपने जो टेक्निकल सहज भी हैं उन्होंने भी कहा था ये चीज़ कि मतलब 45% NTSC हो नहीं सकती। एंड जो इसका प्राइस है वो भी काफ़ी अच्छा होगा, तो उसके हिसाब से हम सोच ही सकते हैं कि जो इसकी मतलब डिस्प्ले की वो है कलर गैमेट है वो 45% NTSC नहीं होगी। एंड अगर इसमें हम बात करें जो ये वाला वेरिएंट है i7 वाला, इसके अंदर जो इन्होंने चार्जर की अपनी पावर ब्रिक होती है वो 200 वॉट की है, जिससे हम मतलब एक छोटा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि जो इसकी TGP है वो 100 वॉट के नियर अबाउट ही होगी 3070 की, जो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो फिर चलते हैं अपने फोर्थ वेरिएंट की ओर, जिसके अंदर प्रोसेसर सेम है एंड और काफ़ी कुछ मतलब चेंज है, जैसे कि आप देखिए 12 डिस्प्ले के ऊपर कि जो इसमें रैम है वो 16 GB की लगी हुई है, एंड जिसकी स्टोरेज है वो 512 GB की SSD है, एंड 32 GB की इंटेल ऑक्टेन मेमोरी दी है उन्होंने, एंड 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, एंड जो इसका ग्राफिक्स कार्ड है वो 3066 GB वाला वेरियंट लगा हुआ है, एंड जो कि इसकी TGP में फिर से बता देता हूँ कि पहले भी आपको बता ही चुका हूँ कि जो 100 वॉट ही होगी अराउंड, एंड सभी कुछ देख सकते हो आप, एंड जो बट इसमें रैम है वो कम फ्रिक्वेंसी की है, जैसे कि आप देख सकते हो कि 2933 MHz की आपने इन्होंने लगा रखी है, मतलब मेंशन किया हुआ है, एंड जो ब्राइटनेस है डिस्प्ले की वो 300 nits एंड ऑल दैट, ये जो सबको पता होगा। जो 3ms का रिस्पॉन्स टाइम है वो अकेला अपने को एक वेरियंट में देखने को मिलता है, एंड जो इसका मॉडल नंबर एंड ऑल दैट आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जब तक ये इनका मीन्स प्राइस आएगा तब मैं आपको एक बार इंश्योर कर दूंगा, सो दोबारा बता दूंगा आपको कि कितना प्राइस आया एक छोटी सी वीडियो बनाकर। एंड जो इसका आप देख सकते हो कि बैटरी है वो 70.9 वॉट आर की होने वाली है, मतलब काफ़ी अच्छी बैटरी होने वाली है, एंड आपको इस आप इसके अंदर मतलब स्टोरेज एंड ऑल दैट अपग्रेड भी कर सकते हो, वो तो आपके पास हर बार ऑप्शन होती है। तो फिर गाइस बस यही थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी तो लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं आपके लिए ऐसा ऐसा अच्छा कंटेंट लाता ही रहूँगा। तो फिर बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।